गाइस कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको स्वागत है हमारे चैनल मैकडर रॉड में। तो आज की वीडियो में मैं जो है डाइट प्लान की वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड इसको एंड तक जरूर देखें। मैंने यहाँ पे जो है 4-5 पीस सोयाबीन के भिगो लिए हैं एंड आपको भी आधे घंटे पहले भिगो लेने हैं जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ना, तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये रही पैडागिरी, मैंने इस बॉक्स में कर दी थी जिससे इसकी खुशबू ना उड़े। गाइस इसमें मैं पहले मैगी का खाना बना लेता हूँ। ये सारी सोयाबीन जो है हमें ऐसी ही नहीं गिरनी, उस पर जो खाई नहीं जाएगी, उसके गले में अटक जाएगी, तो हम उसको पीस कर करके जो है इसके अंदर गिरेंगे। गाइस मैंने जो है इसमें पीस कर दी है सारी सोयाबीन के इस तरीके से, और ये जो पानी है हमें इस पानी को भी इसमें ही मिला देना है। एंड दो मुट्ठी हम फिर ले लेते हैं इसका, तो ऐसे मैच कर देंगे। और आधी मुट्ठी और लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा कम लग रहा है मेरे को ये उसके लिए। तो गाइस ये मैगी का खाना रेडी हो गया है एंड इसको जा करके मैं जो है मैगी को दे दूंगा। तो ये हो गई गाइस मैगी की सुबह की डाइट। ऐसा नहीं है मैं रोज़ इसको सोयाबीन देता हूँ, वहाँ पैडागिरी जरूर देता हूँ मैं रोज़ इसको, बट सोयाबीन नहीं देता मैं, हर 3 दिन बाद देता हूँ। उसके बीच में कभी मैं एक दिन कर्ड दे देता हूँ, तो एक दिन चावल दे देता हूँ। हो गई है दोपहर एंड दोपहर को अभी मैं इसको एक कटोरी चावल है हमारे पास एंड इसको अच्छे से ऐसे कर देते हैं एंड साइड में हमारे पास पनीर, पनीर के पीस कर देते हैं हम अच्छे से। एंड अब इसमें हम डाल देते हैं लस्सी, लस्सी में डाल देते हैं। तो गाइस इसमें हम डाल देते हैं अब लस्सी एंड ये हो गया है मैगी का दोपहर का जो है खाना तैयार। इसमें थोड़ा सा और कुछ अच्छे से डाल दें। तो ये बस अब मैगी का दोपहर का खाना बन गया है एंड अब हम इसको मैगी को दे आएंगे। गाइज अब हो गए हैं रात और रात को मैं देता हूँ मैगी को डिनर। और डिनर में मैंने मैगी को मैं अंडे के साथ दो रोटी यानी चपाती दो। तो आज डिनर में हम उसको अंडा और चपाती देंगे, रोटी देते हैं वो। तो मैंने तकरीबन 1 मंथ से शुरू कर दिया उसको अंडा, वो इसलिए क्योंकि अब मैगी बड़ी भी हो गई है और साथ में सर्दियाँ भी आ गई हैं। तो इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं, यानी अक्टूबर के शुरुआत में शायद से मैंने इसको शुरू कर दिया था उसका अंडा, क्योंकि तब अच्छे से मतलब सर्दी आ गई थी। इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं, वैसे तो बड़ी हो रखी है, वो 5 मंथ्स की हो गई। ऐसे मैश करने के बाद इसमें चपाती डाल देते हैं। मैंने ले लिया दो चपाती और मैंने इसमें इसलिए रख दिया आपको अच्छे से दिख रहा है। एंड गाइस इन पे मैंने घी नहीं लगाया क्योंकि घी कुत्तों का नहीं देना चाहिए। अगर आपको वैसे आपको पता होगा, ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को 90% लोगों को पता होगा, मगर जिन्हें नहीं पता तो आपको अपने कुत्तों को घी लगी हुई रोटी नहीं देनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे क्यों नहीं देनी चाहिए, मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसको तोड़ तोड़ के इसके अंदर डाल देते हैं, इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। एंड अब मैं मैगी को संडे और ट्यूसडे को छोड़ करके बाकी दिन मैं जो है अंडा देता हूँ मैगी को। अंडा बहुत ज़्यादा पसंद भी है मैगी को, इसके अंदर प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको मेरी ये डाइट प्लान की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू।